मैं मनीष एक बार फिर से आप सभी का एमएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि 12 तारीख को यानी 12 जून को मैं अपने बुक का जो मेन कवर है यानी मेन पेज है और कंटेंट्स लेकर के आऊंगा, आज मैं फाइनली लेके आ चुका हूं। जिन बच्चों को देखना है या जो बच्चे उत्सुक हैं किताब को लेना चाहते हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, मैं उसमें प्रोवाइड करा दिया हूँ, आप लोग उसे देख सकते हैं और देख के बताइए कि अच्छा है कि नहीं है, कि हाँ जो कंटेंट्स है क्या क्या है क्या क्या नहीं है, कुछ मिसगाइड्स हो तो भी आप हमें सलाह दे सकते हैं, बता सकते हैं कि आंसर ऐसा नहीं ऐसे होना चाहिए। अभी टाइम है, हम फिर से सुधार लेंगे कि बुक जो है प्रिंटिंग हो रही है, बुक को प्रिंटिंग होने में काफी टाइम लगेगा, हमने लास्ट डेट 15 अगस्त रखा है। कोशिश करूंगा, उम्मीद यानी जो है कि उम्मीद की एक किरण है, कोशिश करूंगा कि 15 अगस्त तक आपकी जो बुक्स है वो लॉन्च हो जाए, यानी आपको मिल जाए, आपको प्रोवाइड करा दिया जाए, यानी पूरी छप जाए, प्रिंटिंग हो जाए और एक बुक की तरह तैयार हो जाए, ताकि जो भी बच्चे हैं 15 अगस्त को, जो 15 अगस्त मनाया जाएगा उस दिन, हम अपने संस्था में बच्चों को बता सके, प्रोवाइड करा सके। तो हम लोग बात कर रहे थे क्या भाई, ट्रांसलेशन की, यानी जो बुक है वो आप लोग देखिएगा, उस पर चर्चा विमर्श करिएगा। अब हम बात करते हैं ट्रांसलेशन की, जो ट्रांसलेशन हम लोग पढ़ रहे थे, तो हम लोग पढ़ क्या रहे थे, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था पास्ट, क्या पढ़ा था, पास्ट परफेक्ट टेंस, क्या पढ़ा था बाबू, पास्ट परफेक्ट टेंस, हमने पिछली वीडियो में पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ा था। पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने अफर्मेटिव पढ़ा था, उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में आफ्टर और बिफोर होते हैं, जो मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया था कि अगर आफ्टर हो चाहे बिफोर हो, हमेशा बाद वाले सेंटेंस को पहले बनाते हैं, इस तरीके से जो बच्चों को नहीं समझ में आया मैंने इस तरीके से भी बताया था। और मेन काम वही होता है कि पास्ट परफेक्ट की जो सहायक क्रिया होती है पास्ट परफेक्ट को, उस यानी उस वाक्य को पास्ट परफेक्ट से बनाते हैं जो वाक्य पहले कार्य करता है, मैंने ऐसे ही बताया। जिन बच्चों को ऐसे नहीं समझ में आएगा वो सिंपली समझ लें कि जिसमें यानी अगर पहले लगा हो चाहे बाद लगा हो उससे मतलब नहीं है, हमेशा इसके बाद वाले वाक्य को पहले बनाना है, बस स्ट्रक्चर को ध्यान रखना, बाद वाला स्ट्रक्चर लगाना, अगर पहले लिखा होगा तो पहले वाला स्ट्रक्चर लगाना, बाद लगा होगा तो बाद वाला स्ट्रक्चर लगाना, बस आपका काम है स्ट्रक्चर लगा करके उसे बनाना और करना। तो आइए अब हम आगे बात करते हैं, आज हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस, क्या बात करेंगे बाबू, नेगेटिव सेंटेंस, हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस। हम दोनों सेंटेंस का पहले लिख रहे हैं, हम पहले लिख रहे हैं पहले वाला, पहले और बाद दोनों के लिए लिखेंगे, हम दोनों को एक साथ लेकर के अब चलेंगे एक साथ, ताकि समझने में भी आसानी हो और आप लोग एक साथ लिख भी सको। देखो हम पहले के लिए लेके चलते हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब हैड लिखना है, फिर उसके बाद आपको नॉट लगाना है, नॉट के बाद आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर उसके बाद आपको बी फोर का प्रयोग करना है, बी फोर के बाद आपको फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखनी है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और एक्सेट्रा। ये आपको स्ट्रक्चर हो गया क्या पहले के लिए, बाद के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्रिया की सेकेंड फॉर्म, फिर उसके बाद क्या करेंगे भाई, क्रिया की सेकेंड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, सॉरी क्रिया की सेकेंड फॉर्म हो गया, फिर ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद आफ्टर का प्रयोग करेंगे, आफ्टर का प्रयोग करने के बाद फिर हम लगाएंगे क्या बाबू, सब्जेक्ट, फिर क्या प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैड लगाएंगे, फिर उसके बाद क्या प्रयोग करेंगे, नॉट, फिर उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट और एक्सेट्रा यानी ईटीसी का प्रयोग करेंगे। ये आपका दो स्ट्रक्चर है, देखो दोनों में फर्क क्या है, हम आपको बताएंगे दोनों में देखो फर्क क्या, आफ्टर और पहले, पहले देखो दोनों का स्ट्रक्चर सेम चीज होगा, कुछ फर्क नहीं होगा, यहाँ आफ्टर का प्रयोग हुआ है, यहाँ बिफोर का प्रयोग हुआ है, आप देखो डिस्टेंस डिफरेंस क्या है, बिफोर में क्या होगा, हमने कहा चाहे पहले लिखा हो, चाहे पहले लिखा हो या फिर बाद लिखा हो, उससे हमसे मतलब नहीं है, हम उसके बाद वाले वाक्य को पहले बनाएंगे, बस स्ट्रक्चर ध्यान रखना, कह रहा चाहे पहले लिखा हो चाहे बाद लिखा हो हमसे उससे कोई मतलब नहीं है, हम हमेशा क्या करेंगे उसके बाद वाले वाक्य को बनाएंगे, बस स्ट्रक्चर ध्यान रखना, स्ट्रक्चर मतलब जैसे पहले है तो पहले वाला का, इसके बाद वाले वाक्य को बनाएंगे तो इधर से बनाते चलेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट है, नॉट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर बिफोर लिखने के बाद इसके पहले के जो पहले वाक्य होगा वो बनाएंगे, फिर बाद वाले में इसके बाद वाले वाक्य को बनाएंगे, बस स्ट्रक्चर बदल गया, देखो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ध्यान रखना आफ्टर होगा, आफ्टर और बिफोर में ठीक उल्टा, यानी जो स्ट्रक्चर होता है ठीक उल्टा होता है, आफ्टर में क्या होगा हेड पहले लगता है
सॉरी आफ्टर में क्या होगा, हेड बाद में लगता है, बिफोर में क्या लगता है, टेल। बस फर्क यही है, दोनों सेम चीज है, बस स्ट्रक्चर में बदल जाता है, यानी उल्टा हो जाता है, फर्क यही है। लेकिन बस ध्यान रखना, बनाते समय हम पहले हो चाहे बाद हो, हमेशा बाद वाले ही सेंटेंस को पहले बनाएंगे, बस स्ट्रक्चर ध्यान रखना। जैसे कहा जाए, बात करें, जैसे कहा जाए वह सोने से पहले, वह सोने से पहले खाना मैंने खा चुका था, यही सेंटेंस लिखा भाई, वह सोने से पहले खाना नहीं खा चुका था। देखो नहीं शब्द आया, इसका मतलब क्या है, नेगेटिव है। अब पहले आया है ना, तो पहले वाले स्ट्रक्चर से बनाओ, लेकिन पहले के बाद वाले वाक्य को पहले बनाना है। तो कह रहा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट ठीक है, देखो दोनों में सब्जेक्ट क्या है, वह सोने से पहले वह खाना नहीं खा चुका था। तो भैया दोनों जगह सेंटेंस का सब्जेक्ट एक ही है ना, एक ही व्यक्ति सोया यानी सोने से पहले खाना नहीं खाया था, तो जब एक ही व्यक्ति है तो इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही। अब ही के बाद क्या लगाओगे, हैड। अब उसके बाद क्या लगाओगे, नॉट। नॉट लगाने के बाद कह रहा है मेन वर्ब, इसमें कौन सा काम हो रहा है, खाना खा चुका था, ईट। और ईट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ईटन, फूड, ईटन फूड ऑब्जेक्ट हो गया, ईटन अ फूड। अब कह रहा है उसका बी फोर लिखो, हमने बी फोर लिखा, बी फोर लिखने के बाद अब हम स्टार्टिंग से बनाएंगे, बिफोर अ सोने से पहले। और यहां ध्यान रखो जो कंडीशन होती है, तो हम फिर से दोबारा कह रहे हैं सब्जेक्ट, तो फिर से लिख दो ही स्लेप्ट, यस एल ई पी टी, यानी सब्जेक्ट और क्रिया की सेकंड फॉर्म भैया वह सोने से पहले थी स्लेप्ट। और एक चीज और ध्यान रखना, जब दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट एक ही हो जाता है, एक बार दोबारा सब्जेक्ट नहीं भी लिख सकते हैं, सही है, ही हैड नॉट ईटन फूड बिफोर स्लेप्ट, यानी वह सोने से पहले खाना नहीं खा चुका था। जब दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट एक ही रहेगा तो हम क्या करते हैं, दोबारा सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और चाहे आप कर भी सकते हो, कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई, नोट करिए इसे फटाक से, इसके स्ट्रक्चर को लिखिए और समझिए फटाफट, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर, यानी नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं। आप देखो लिखा है, हमने ताज महल पहले नहीं देखा था। अब यही सेंटेंस लिखा है, हमने ताजमहल पहले नहीं देखा था। अब देखो बाबू, पहले तो आया है क्या, दो सेंटेंस दो क्रिया है, कह रहा हमने, यहाँ देखो दो क्रिया था अभी हम जिसमें बात कर रहे थे कि सोने से पहले खाना खा चुका था, एक तो सोना और एक खाना खाना, पहले इसमें भी आया है क्या, दो क्रिया इसमें है, जब दो क्रिया नहीं है तो हमेशा स्टार्टिंग से बनाते हुए चलेंगे, भैया हमने ताजमहल पहले कभी नहीं देखा था। तो देखो जब दो क्रिया रहेगी तब हमेशा पहले के बाद वाले से बनाएंगे, और जब पूरे सेंटेंस में एक ही क्रिया है हम स्टार्टिंग से बनाते चलेंगे, पहले है तो पहले वाले ही स्ट्रक्चर से बनाना, लेकिन स्टार्टिंग से। तो हमने क्या हो जाएगा, वी हैड, अब नहीं सब है तो क्या हो जाएगा, नॉट, वी हैव नॉट। अब कौन सा काम हो रहा है, देखना, तो सी का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सीन। अब क्या, सीन द ताज महल क्या हो जाएगा, बी फोर, बस हो गया। अगर दूसरा वाक्य होता तो हम क्या करते, बिफोर के बाद उसी स्ट्रक्चर से बनाते, नहीं है तो बस इतना ही। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि हमने ताजमहल पहले नहीं देखा था, तो वी हैड नॉट सीन द ताजमहल बिफोर, ये हो गया। फिर या फिर कह सकते हैं वी ऑलरेडी हैड, यही सही है, ज्यादा बेटर यही है, ऐसे ही अच्छा है कि ही हैड नॉट सीन द ताजमहल बिफोर। तो भैया जब दोनों सेंटेंस में देखो पहले या बाद आ जाए कोई दिक्कत नहीं, जब एक ही क्रिया क्या है, एक ही क्रिया है देखो, तब हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर स्टार्टिंग से बनाते चलेंगे, और जब दो क्रिया आएगी हमेशा पहले के बाद वाले वाक्य को पहले बनाएंगे, स्ट्रक्चर वही रहेगा। ठीक है, तो बात समझ में आई, नोट कर लो।
अब हम बात करेंगे इंट्रो वी टू। अब हम बात करेंगे बाबू क्या इंट्रो के थ्रू। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा आइए देखते हैं। इंट्रोगेटिव में सिर्फ एक ही चीज होगा, पहले, हमेशा पहले होगा, बाद आपका इसमें कहीं नजर नहीं आएगा। तो हमेशा पहले होगा, हम सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, सेकंड स्ट्रक्चर की बात ही नहीं करनी है। तो हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में दो टाइप होता है, टाइप फर्स्ट क्या होता है, टाइप फर्स्ट। अब टाइप फर्स्ट में क्या होता है आपको पता ही है, कितनी बार बताया जा चुका है। टाइप फर्स्ट में क्या होता है, जब कोई हिंदी का वाक्य क्या से शुरू होगा तो उसे क्या कहते हैं, टाइप फर्स्ट का वाक्य कहते हैं। यानी क्या से शुरू होगा तो टाइप फर्स्ट, और जब टाइप फर्स्ट होगा तो भैया एक ही स्ट्रक्चर होगा, आप हमेशा ध्यान रखना पहले। अब एक ही स्ट्रक्चर होगा पहले, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सहायक क्रिया लिखेंगे हेड, और उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर उसके बाद लिखेंगे नॉट है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आप क्या लगाएंगे बी फॉर्म, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर क्रिया की सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और एटीसी लगा के लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखो यही स्ट्रक्चर है। तो कह रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव में टाइप फर्स्ट क्या होता है बाबू, जब हिंदी का वाक्य क्या से शुरू होगा, यानी किससे शुरू होगा, क्या से, जब कोई भी वाक्य क्या से शुरू हो तो वह क्या होता है टाइप फर्स्ट। और टाइप जब फर्स्ट होता है तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और बिफोर, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर क्रिया की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और ईटीसी। अब जैसे कोई सेंटेंस लिखा हो, मान लेते हैं कि आप पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया था, लिखा है यही सेंटेंस क्या, पुलिस के आने से पहले, क्या पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया था, यही सेंटेंस लिखा है, क्या पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया था। अब देखो क्या से शुरू है, इसका मतलब कौन सा सेंटेंस हुआ, टाइप फर्स्ट, क्या हुआ टाइप फर्स्ट। अब टाइप फर्स्ट है ना, तो टाइप फर्स्ट है तो सबसे पहले हम किससे स्टार्ट करेंगे, हेड से, हमने हेड लिखा। अब उसके बाद पहले के बाद वाले वाक्य को हमेशा बनाना है, पहले के बाद वाले वाक्य को हमेशा बनाना है, तो हेड, फिर उसके बाद क्या करोगे, द थिप, टी एच आई टी एफ, द थिप, अब क्या हो जाएगा, रन अवे, भागना के यही होता है ना भाई, द थिप, हेड द थिप, रन अवे। अब क्या करेंगे, बी फोर यानी सब्जेक्ट, हेड हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ना इसमें नई शब्द नहीं है तो छोड़ दिया, फिर मेन वर्ब यानी भागना, अब बी फोर, अब कह रहे सब्जेक्ट चाहिए तो भैया पुलिस के आने से पहले, तो क्या हो जाएगा, पी ओ एल आई सी, पुलिस कैम, लास्ट में क्वेश्चन बन गया आपका, सिंपल सा तो है, बस आपको समझने की देरी है, नहीं तो बहुत ही सिंपल और इजी है। जैसे दूसरा लिखते हैं क्या डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, यही सेंटेंस लिखा है, क्या डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। अब देखो भैया क्या डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, यही सेंटेंस है, अब कैसे बनाओगे बाबू। तो देखो जब क्या से शुरू है तो टाइप फर्स्ट है ना, सिंपली हेड लिखना है आपको, हेड लिखने के बाद अब देखो इसमें दो क्रिया आई है, एक आना और एक मर चुकना, यानी मर चुका दो क्रिया है, इसका मतलब पहले के बाद वाले वाक्य को पहले बनाओ। तो रोगी मर चुका था तो हेड द पेशेंट, पी ए टी आई ई एन टी, द पेशेंट, क्या हो जाएगा, मरना क्या अंतर, डाई, डाई का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, डाइड, अब क्या हो जाएगा भैया, बिफोर, पहले डॉक्टर के आने से, तो क्या हो जाएगा, बिफोर द डॉक्टर के,
यही तो सिंपल है, सबसे सिंपल तो यही है यार, बस आपको समझने की देरी है। कहते हैं ना बच्चे सोचते हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा, भाई कहीं नहीं हो पाएगा, हो कोशिश करो, कीप ट्राइंग, जब तक कोशिश ना करोगे तब तक कैसे आएगा भैया। कहते हैं कि आई कैन नॉट डू, मैं नहीं कर सकता। भैया काहे नहीं कर सकते, यू हैव नॉट इनफ पावर, तुम्हारे पास इतनी शक्ति नहीं है कि यू सॉल्व इट, कि तुम इसे सॉल्व कर सको। बताओ भैया इतनी शक्ति नहीं है कि तुम इसे हल कर सकते हो, या तुमसे ये ज्यादा मजबूत है, तुमसे बड़ा है? ऐसा थोड़ी नहीं है तुमसे बड़ा है, इसको तो हम यू करके देखो, हम इसको यू करके मिटा सकते हैं, ये तुमसे बड़ा थोड़ी है। जब हम इसको मिटा सकते हैं तो ये हमसे बड़ा कैसे हो सकता है? हम जिसको मिटा नहीं सकते वही हमसे बड़ा होता है ना। जब ये हमसे बड़ा है नहीं, हम इसको समझ कर नहीं सकते यार, तो हम इसको कर सकते हैं। जब हम लोग मन लगा के करेंगे, अपना जो माइंड है उसे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, तब तो समझ में आएगा, अन्यथा कैसे समझ में आएगा बाबू? बताओ भैया कैसे समझ में आएगा? कहते हैं ना इफ यू वर्क हार्ड तो यू गेट सक्सेस, यू विल गेट सक्सेस। यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो जरूर सफल होगे। इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे यू विल नॉट गेट सक्सेस, तब तुम सफल नहीं हो पाओगे। भैया तुम्हें कठिन परिश्रम करना है तभी सफल हो पाओगे, और नहीं करोगे तो कैसे सफल होगे, बताओ खुद ही। अब आते हैं टाइप सेकंड का जो वाक्य है, टाइप टू का बात करेंगे हम लोग। अब टाइप टू में देखो क्या होता है, जब प्रश्नवाचक शब्द कहाँ आता है भैया? वाक्य के बीच में, यानी जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो उसे क्या कहते हैं? टाइप टू का वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइप टू का वाक्य कहते हैं। तब ऐसी स्थिति में एक ही स्ट्रक्चर तो है आपको बताए हैं पहले के लिए, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना है, क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद आप सहायक क्रिया हेड लगाइएगा, फिर उसके बाद क्या लगाइएगा? सब्जेक्ट, और फिर उसके बाद नॉट है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद आपको क्या लगाना है? बी फोर लगाने के बाद फिर प्लस, फिर आप क्या करोगे? सब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्रिया की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटी, लास्ट में क्वेश्चन। यही आपका स्ट्रक्चर है। अब जैसे सेंटेंस लिखा हो कि भैया अपने पिता के, लिखा है तुम्हारे आने से, तुम्हारे आने से पूर्व वह क्या कर चुका था? अब यही सेंटेंस लिखा है, कह रहा तुम्हारे आने से पूर्व वह क्या कर चुका था, पूर्व मतलब पहले, हो तुम्हारे आने से पहले वह क्या कर चुका था। अब देखो क्वेश्चन वर्ड कहाँ आया है? बीच में, और हम जानते हैं पहले के बाद वाले वाक्य को पहले बनाते हैं, तो वह क्या कर चुका था, तो कह रहा सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड चाहिए, तो भैया वह क्या कर चुका था, तो क्या कहा माने होता है? व्हाट हो गया, उसके बाद हेड चाहिए, हेड लिख दिया, अब सब्जेक्ट चाहिए, तो कौन क्या कर चुका था? वह का क्या होता है? ही। कह रहा नॉट, इसमें देखो नई शब्द नहीं है तो नॉट को छोड़ देंगे, मेन वर्ब चाहिए तो करना क्या होता है? डू का थर्ड फॉर्म डन हो गया, अब पूर्व है ना तो बी फोर, किसके आने से? तुम्हारे आने से, भैया तुम्हारे आने से, तो यू कैम, क्रिया के सेकंड फॉर्म, काम का सेकंड फॉर्म कैम होता है, तो बस हो गया। अब जैसे कहा जाए सूर्य छिपने से पहले कितने बच्चे सो चुके थे? भैया सूर्य छिपने से पहले कितने बच्चे सो चुके थे? कह रहा सूर्य छिपने से पहले कितने बच्चे सो चुके थे? अब भैया सूर्य छिपने से पहले, यानी सूर्य डूबने से पहले, जब तक सूर्य डूबे उससे पहले कितने बच्चे सो चुके थे ये आपको बताना है। तो देखो एक तो छिपना है, एक सो चुकना है, तो दो मेन वर्ब है, इसका मतलब पहले के बाद वाले वाक्य को पहले बनाएंगे। कितने बच्चे हैं? तो बच्चों को गिन सकते हैं ना, तो क्या हो जाएगा? हाउ मैनी चिल्ड्रेन, CHILDREN,
अब उसके बाद हमें क्या चाहिए बाबू, हेड चाहिए, तो हेड हो गया। अब इसमें देखो सब्जेक्ट, अब हम सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या लिखेंगे बताओ फटाक से भैया, सब्जेक्ट चिल्ड्रेन है ना, तो हम हाउ मेनी के साथ चिल्ड्रेन तो लगा चुके हैं, तो हेड। अब उसके बाद थर्ड फॉर्म चाहिए, तो सिलेक्ट हो गया, एस एल ई पी टी, तो सिलेक्ट। अब कब, बी फोर, बी फोर, अब कह रहा बिफोर कब, सूर्य छिपने से पहले, तो क्या हो जाएगा दर्शन। अब कैमरे में छिपना होता है भैया, बताओ लगा कैमरे में छिपना होता है, जल्दी बताओ, दर्शन से लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बस इस प्रकार से आपका ये भी खत्म होता है, तो टाइप टू आपका खत्म होता है। इस प्रकार से ये जो है परफेक्ट टेंस आपका समाप्त होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो हम यही कहेंगे कि जो बच्चे क्या है कि हमारे इस वीडियो को नहीं देखे हैं वो देखें, और एक चीज और अनुरोध करेंगे भैया, जो बाबू वीडियो देख रहे हैं ना वो अपने दोस्तों तक एक दूसरे से शेयर करें और उन्हें बताएं कि देखो ट्रांसलेशन सीखना बहुत ही मस्ट है, और सर ने जो बुक लिखा है वो बुक आपको जल्द ही आज ही टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड करा दी जाएगी, ताकि देख लो उसका मेन कवर कैसा है और जो कंटेंट्स है वो कैसा है, अच्छा है कि नहीं है, चीजें उसमें नई मिलेंगी। हम आपसे पहले भी कह रहे हैं कि सारे उसमें जो रूल और रेगुलेशन है वो बहुत ही इजी और सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, जिससे कि आप क्या है आसानी से समझ सको, ठीक है। तो आप लोग इसे पढ़िए और समझिए, और जो हमारा ट्रांसलेशन का बुक है ना बाबू, उसमें चाहे कोई भी यूज हो, हर एक प्रकार का यूज लिखा मिलेगा, टेंस से लेकर के हर एक प्रकार का यूज, ऐसा कोई यूज नहीं होगा जो उसमें छूट जाए। आपने यूज्ड टू का यूज पढ़ा होगा, गो ऑन का पढ़ा होगा, नथिंग का पढ़ा होगा, अनटिल, अनलेस, बिफोर, ये सारे चीज उसमें आपको मिलेंगे। इतनी मोटी सी किताब लिखी जा रही, टाइम तो लगेगा ही, सारे यूजेज उसमें मिलेंगे। अगर आप लोग वो ट्रांसलेशन की किताब एक बार पढ़ लो ना, तो आपको ट्रांसलेशन कहीं से भी पूछ लिया जाए आपको फटाफट आएगा। लेकिन बस बाबू भाई मेहनत मेहनत, हम करते क्या है कि चीजों को सुनते ज्यादा है, लिखते कम है, और कोई भी चीज सुन के नहीं आती, वो हमेशा लिख करके ही आती है। हमें क्या है, किसी चीज को बार बार लिखने से प्रैक्टिस हो जाती है, और जब प्रैक्टिस होती है ना तो चीजें हमारे माइंड में घुसती है, और जब माइंड में घुसती है ना तब वो चीजें हमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अब हमने सुन लिया, डन माने होता है भैया करना, कंप्लीट करना, पूरा करना। अब हमें एक बार सुन तो लिया लेकिन हमने लिखा नहीं, डन माने पता है, अगला आदमी कह दिया बेटा कहे मैंने कंप्लीट यानी पूरा करना, तो आपने कहा सर डन माने, बेटा डन की स्पेलिंग बताना, वो तेरी, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया यार, ऐसा करके बच्चे चले जाते हैं। तो उस चीज को ध्यान दो, रियलाइज करो, चीजों को लिखो, एक नोटबुक्स कॉपी बना लो, उसमें चीजों को, जो चीजें नहीं मिले, कोई भी चीज हो नहीं मिले, नहीं पता है, उसके बारे में फटाक से लिखो और सर्च करो, उस पर अंडरलाइन करो कि भैया यह मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज फिलहाल इतना ही, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, आप लोग खुद ही समझदार हैं, पढ़ने लायक हैं, ठीक है। तो धन्यवाद।